जय हिंद दोस्तों। तो फाइनली वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अमरजीत और आप सभी को नॉलेज G24 में स्वागत है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी NIOS DLED के कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप लोग BPSC TRE 1 के एग्ज़ाम दिए हो या BPSC TRE 2.0 की। तो आप सभी के बीच बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई है, मैं आपको आइए उसी अपडेट के बारे में बताऊंगा। और जैसा कि आप सभी को बताया कि पिछले दिन NIOS DLED के कैंडिडेट जो कि सचिवालय के सामने हल्ला बोल बोल दिए थे, उसका क्या इफेक्ट पड़ा है और क्या फाइनली आपका नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा या नहीं, आइए मैं सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि आपको BPSC TRE एंड NIS से जुड़ी कुछ भी अपडेट आए तो सबसे पहले और सबसे सटीक मिल सके। DLED से रिलेटेड मैं शुरू से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को बताएं कि NIOS DLED के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 18 मंथ का डिग्री घोषित करके अमान्य कर दिया गया, जो कि ये 18 मंथ का डिग्री बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखने के बाद भी NCTC एंड MHRD के द्वारा कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं आया कि इसके रिलेटेड वो क्या आगे सोचेगी, क्योंकि जिस टाइम ये डिग्री आया था उस टाइम तो बड़ी प्रचार प्रसार नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा के कर रहे थे कि ये डिग्री हर एक जगह, जिस भी फॉर्म के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे तो सभी जगह के लिए एलिजिबल है। और अगर बात आई एलिजिबिलिटी की तो अब देखिए आपको बाहर निकाल दिया गया और इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट नहीं आ रही है। मैं अगर बात करूं तो NIOS DLED के एक दो कैंडिडेट नहीं है, करीबन 14 लाख कैंडिडेट हैं। तो देखिए अभी जितने भी कैंडिडेट हैं उन पर अभी वैसा बोझ नहीं पड़ा है, जिस कारण से अभी थोड़ा बहुत मात्रा में हल्ला बोल बोल रहे हैं। अगर इन पर ज़्यादा पड़ गया तो 14 लाख कैंडिडेट अगर एक साथ उतर गए, चलिए छोड़िए 14 लाख, अगर 2 लाख भी कैंडिडेट एक साथ उतर गए तो आप लोग सोच लीजिए क्या हो जाएगा। तो फिलहाल ये इसके बारे में तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन जो आप सभी के द्वारा सचिवालय के सामने NIOS DLED की शिक्षक अभ्यर्थियों ने हंगामा किया, आइए उसके बारे में इस वीडियो में पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए NIOS DLED के कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि TRE 1.0 में भी सेलेक्ट है, और मैं अगर बात करूँ तो TRE 2.0 में भी सेलेक्ट हैं। यहाँ तक हो गई। तो ये दोनों कैंडिडेट देखिए सेलेक्ट हैं, सेलेक्ट होने के बाद इनका जो मेरिट लिस्ट में नाम भी आ चुका है, चाहे TRE 1 हो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में या TRE 2 फाइनल रिजल्ट में। तो रिजल्ट आने के बाद क्या किया गया, फाइनल मेरिट लिस्ट में इसका नाम भी दे दिया गया, और नाम देने के बाद इनको जो नियुक्ति पत्र है वो नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इनके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है, नियुक्ति पत्र पर इनके रोक लगा दिए गए हैं। तो ऐसे में अगर कैंडिडेट्स रोड पे उतर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका 1% भी गलती नहीं है, और ये जिस टाइम डिग्री किए थे उस टाइम पूरी तरह से PM का प्रचार प्रसार करके और साफ साफ अक्षरों में लिखा गया था कि ये सभी जगह आप लोग एलिजिबल हैं, किसी भी प्राइमरी में अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप हर एक जगह एलिजिबल हैं, आप लोग कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अब बात आ गई सुप्रीम कोर्ट की, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इसको 18 मंथ करके और इसको बाहर निकाल दिया गया, जो कि ये कोर्स पूरे 24 मंथ के हैं, और हम लोग समझ रहे हैं और जितने भी चाहे BEd के हो DLED के हो सभी समझ रहे हैं कि ये 24 मंथ का ही कोर्स है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट 18 मंथ का के बाहर निकाल दिया। और उसके बाद NCT MHRD के द्वारा कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं आया जो कि बच्चों के हित में हो, और जिस टाइम कोर्स डिजाइन किया गया था उस टाइम तो बड़े ही ज़्यादा पैमाने पर इनका प्रचार प्रसार किया जा रहा था। तो ऐसे में देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अपने अपने राज्य में बोल रहे हैं कि डायरेक्ट NCTE पे केस करेंगे, और कहीं ना बिल्कुल अगर वो केस भी करेंगे तो केस का मान होगा, क्योंकि फ्रॉड के केस में ये केस कर सकते हैं, क्योंकि इनको साफ साफ बताया गया कि आप लोग हर एक जगह एलिजिबल हैं और ये बोल के अब बाहर निकाल दिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनके साथ धोखाधड़ी हुआ है और इस पर बिल्कुल संज्ञान लिया जाएगा। और 2 जनवरी के बाद बहुत सारे जो NIOS DLED के संघ के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा बताया गया कि 2 जनवरी को अपने जिस भी डिलेक्ट से, चाहे इलाहाबाद हो पटना हो जहाँ भी हो, अपने अपने तरीके से यहाँ पर केस की जा रही है। लेकिन चलिए ये केस की मामला तो होती रहेगी, ये कुछ बड़ा लंबा टाइम ले सकता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो BPSC TRE 2.0 एंड 1.0 के कैंडिडेट हैं इनके साथ क्या किया जाए, और साफ साफ देख सकते हैं कि इनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम भी आ चुका है, उसके बाद इन पर रोक क्यों लगाया जा रहा है, क्या इनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो देखिए मैंने फाइनली इस पर बहुत सारे बात किए, और आप सभी जो सचिवालय के सामने जो भी अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है वो अपने तरीके से वहाँ पे प्रस्ताव किए हैं। तो कहीं ना कहीं जो इसके चेयरमैन हैं और BPSC के जो अध्यक्ष हैं
उनके द्वारा यहाँ पे बात की जा रही है NISDLET को लेकर कि क्या इनको सम्मिलित किया जाए या नहीं किया जाए या किस तरीके से किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में देखिए मेरे पास जो, तो देखिए इस पे आप लोगों के हित में ही बात किया जा रहा है और मैंने इंटरनल सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन गेन किया। और फिलहाल देखिए अभी जितने भी कैंडिडेट हैं आप लोग के मन में ज़रूर क्वेश्चन बनता होगा कि क्या मुझे ज्वाइन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो मेरे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को ज्वाइन तो ज़रूर किया जाएगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच अभी तो परेशानी ज़रूर है कि मेरा ज्वाइनिंग होगा कि नहीं, क्योंकि आप ही के साथ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि एग्ज़ाम क्रैक किए थे और वो ज्वाइन भी कर सकते हैं, नियुक्ति पत्र भी उनको मिल चुका है, और वैसे में आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही खेद की बात है। और BPSC को देखिए मैं यही कहूँगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है NCTE को संज्ञान लेना चाहिए इसके बारे में कि मैंने जिस कोर्स को डिज़ाइन किया उसे 18 मंथ कह के क्यों निकाल दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बार बार इस पर यही दिया जा रहा था कि 18 मंथ का कोर्स है और इस पर NCTE कुछ नहीं बोली। तो कहीं ना कहीं NCTC का यहाँ पे 100% गलत है, और बच्चों का जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन है मैं चाहूँगा बिल्कुल शांतिपूर्वक आप लोग रहें और शांति से ही यहाँ पे काम होता है, आप लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक वहाँ पे जाए। और आपका मांग भी बिल्कुल सही है कि NISDLET अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है, और इससे रिलेटेड मैं कोशिश करूँगा विभाग से बात करने का कि इस पर क्या निर्णय आया है, क्या आप लोगों को ज्वाइन करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा। देखिए मुझे जहाँ तक पता है कि ज्वाइन तो आपको करवाया ही जाएगा, चाहे किसी भी हाल में क्यों ना हो, आपने एग्ज़ाम दिया, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया। तो देखिए आप लोग बिल्कुल पेशेंस खो चुके हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए ये मोमेंट ही ऐसा है जहाँ पे कैसे भी करके आप लोगों को बस यही है कि नियुक्ति पत्र लेना है। और इससे रिलेटेड मैं विभाग से जाके बात करूँगा आज, और बात करने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि 1 से 2 घंटे के बाद मैं आप सभी के बीच अपडेट कर दूँ कि आप पे विभाग के द्वारा क्या राय है, ठीक है, क्या आपको सम्मिलित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए मेरे तरफ से जो पता है कि आपका जब रिजल्ट आया तो 100% सम्मिलित किया ही जाएगा, बट फिर भी जो अभी अगर आपको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है तो किस बेसिस पे नहीं दिया जा रहा है, आपको कुछ तो कुछ रीज़न दिया होगा, क्योंकि विभाग के द्वारा ही बताया गया कि इस पर जाँच करने के बाद हम लोग ज्वाइन करवाएंगे, तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। अगर जाँच ही करवाना था तो उनको पहले जाँच करवाना चाहिए था आप पे। तो कहीं ना कहीं विभाग की भी यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है इस पर निर्णय ले रही है कि इस पर आगे का क्या कदम लिया जाए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोपरि है, ये तो आप लोग भी जानते होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, और मैं फिर से जो है आप सभी के बीच अपडेट लाऊंगा जैसे ही विभाग से मुझे कुछ अपडेट मिलेगी, और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि विभाग से NISDLET कैंडिडेट के लिए क्या आगे की अपडेट है, क्या आगे की रणनीति है, इसके बारे में जानते हुए आप सभी को अपडेट करूँगा। और इससे जुड़ी जो कि NISDLET से जुड़ी और BPSC से जुड़ी कुछ भी अपडेट है तो आप लोग चैनल को बगल में सब्सक्राइब करके और बगल में बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के तहत मिल सके। और आप लोगों को पता होगा कि मैं जब भी NISDLET या BPSC TRE से जुड़ी कुछ भी अपडेट देता हूँ तो 100% परफेक्ट रहता है। आप लोग पहले भी देखे होंगे कट ऑफ से रिलेटेड मैंने बताया या NISDLET से रिलेटेड बताया तो वो भी सारा सही था, क्योंकि NISDLET जिस टाइम हारने वाली थी मैंने आपको बताया तो बहुत सारे कैंडिडेट का वहाँ पे बहुत सारे नीचे जो है निगेटिव कमेंट आना स्टार्ट हो गए थे कि NISDLET 100% जीत गया। तो देखिए बिल्कुल जीत गया ये मुझे भी पता था, और 100% ये वैलिड कोर्स है ये मुझे भी पता था, लेकिन आपको जिताने वाले आगे वाला फेस जो है वो कुछ अच्छा फेस चाहिए जिसके तहत पे आप लोग जीत सकते थे, लेकिन आप लोगों ने वो भी खो दिए। और कहीं ना कहीं सारे कोर्ट से जीते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो नकारात्मक यहाँ से खबरें मिली है, मैं कोशिश करूँगा और हम सब NISDLET के जितने भी कैंडिडेट्स हैं या जितने भी जो भी हैं सभी इस पे काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि हम लोग जीतेंगे और साथ ही आपका नियुक्ति पत्र भी बांटा जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना रहने देता हूँ, और मेरे पास जो भी विभाग से अपडेट आती है तो मैं 2 से 3 घंटों में आप सभी को अपडेट करूँगा। तो फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।